हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना अगला स्टॉक कौन सा है। अपना अगला स्टॉक है प्राइमा प्लास्टिक लिमिटेड। प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत अच्छी कंपनी है। जितने लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको एक प्राइमा प्लास्टिक के बारे में मालूम होगा कि कितनी अच्छी कंपनी है। अभी 213 पर चल रहा है। इसका मार्केट कैप देखा, 234 करोड़ का मार्केट कैप है, हाई लगाया 244 का, लो लगाया 92 का। अभी देखते हैं, इसका थोड़ा फंडामेंटल भी देख लेते हैं। कंपनी की एक अच्छी खासियत है अपने डेप्ट को रिड्यूस कर किया है। आइए देखते हैं। इसका कंपटीटर है आपका सुप्रीम इंडस्ट्री है, एस्ट्रल इंडस्ट्री है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री है, प्रिंस पाइप है, नील कमल है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां इसके कंपटीटर है। तो इसमें देखा जाए तो पीएनएल देखा जाए, पीएनएल में देखा जाए तो ये अच्छी खासी हमेशा प्रॉफिट में रहा है। नेट प्रॉफिट देखा तो 10 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 9 करोड़, 17 करोड़, 23 करोड़ का इस बार प्रॉफिट अभी तक है। 2024 में अगर रिजल्ट आता है, देखते हैं इससे भी बढ़कर रिजल्ट आएगा जहां तक अनुमान है। और इसका एक मिनट आइए दिखाते हैं इक्विटी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो इसका इक्विटी जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहा, पर रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यूस बढ़ता गया। 45, 54, 65, 78, 78, 86, 101, 108, 125, 132 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस ऐड किया है। तो ये किसी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि उसका इक्विटी बराबर रहता है और उसका एसेट बढ़ता जाता है। इसका एसेट देखा जाता है, एसेट देखिए 66 करोड़, 68, 75, 72, 81 करोड़, 88 करोड़, 120, 132, 131 करोड़, 149 करोड़, 189 करोड़, 208 करोड़, 207 करोड़ का अभी तक का दिखा रहा है। तो ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देगा, प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न 58.28 का है और बाकी पब्लिक का है, तो अच्छा खासा है। प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते चार्ट एनालिसिस, चार्ट क्या कहता है। चार्ट पे एनालिसिस पे चलने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे आके देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट की एनालिसिस करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट की एनालिसिस करने के बाद ये देखा है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद, ये रेंज पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ये अपना जो लो लगाया है, ये वाला लो यहाँ पे बहुत बार आने की कोशिश किया, बट ये लो के नीचे नहीं आ रहा था। फिर बायर एक्टिवेट हुआ था जाने के बाद, फिर एक सेलर एक्टिवेट, फिर लो लगाया। यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे आया, फिर इस नेक लाइन के पास आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। तो इसमें टारगेट कहाँ पे रखेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट कहाँ पे रखेंगे, आइए देखते हैं। शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात करें तो पहले स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस अपना रखेंगे, स्टॉप लॉस आप रखिए 150 का स्टॉप लॉस रखिए, 138 का स्टॉप लॉस रखिए। और टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट आप 250 का रखिए, 270 का रखिए। सेकेंड टारगेट की बात करें तो 350 का रखिए। तो ये टारगेट आपको इजीली मिल जाए। 350 अगर क्रॉस करता है तो आप टारगेट 450 के करीब में रख लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। सो विद इन 2 ईयर ये 450 पहुंचने की संभावना रखता है, तो आप इसमें नजर बना के रखिए। जैसे आपको मोमेंटम मिलता है आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट जो दिया है वो सस्टेन कर लिया। 1 वीक यहाँ उसके ऊपर कंसोलिडेट किया, सेकेंड वीक भी इसके ऊपर ही है। तो अच्छा खासा शेयर इसमें आप नजर बना के रखिए, प्रॉफिट आपको देगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।